दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। तो देखिए, आज से मैं क्या करने वाला हूँ, हर रोज करंट अफेयर्स वीडियो डालने का, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ वीडियो डालने हो। तो चलिए, हम देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, ये 23 सितंबर 2021 का क्या है तो करंट अफेयर है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ऐसा है कि वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। मतलब देखिए, वर्ल्ड मतलब राइनो यानी क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, तो गेंडा। मतलब जो वर्ल्ड राइनो डे है वो कौन से तारीख पे यहाँ पर क्या है तो माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, ऑप्शन ए है सितंबर 25, ऑप्शन बी है सितंबर 26, ऑप्शन सी है सितंबर 24 और ऑप्शन डी है सितंबर 22। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है डी, सितंबर 22। सितंबर 22 में क्या किया जाता है, तो वर्ल्ड राइनो डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते। तो देखिए, दूसरा प्रश्न ऐसा है कि मानिका शिकंद वॉज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन फॉर विच स्टेट। मतलब जो पानी बचाने के लिए कौन से कंजर्वेशन कैंपेन पे कौन से स्टेट के लिए मानिका जी को यहाँ पर क्या तो चुना गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है गुजरात। देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो ये इसका सही आंसर क्या है, तो हरियाणा। हरियाणा में क्या किया था, तो मानिका जी इनको क्या किया तो अपॉइंटेड किया गया है गुडविल एम्बेसडर ऑफ द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन के लिए। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते। तो देखिए, हु वॉन हिज सेकेंड कंजर्वेटिव टूर्नामेंट ऑफ दिस मंथ द नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर सेक्शन। तो देखिए, लगातार दूसरी बार किसने तो यहाँ पर टूर्नामेंट जीता है इस मंथ का नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर सेक्शन में। तो देखिए, आपका ऑप्शन है फारेस नेहल, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है चिमी गेरवाल, ऑप्शन डी है स्नेहा दास। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो जी है इसका सही आंसर है डी गुकेश। डी गुकेश ने क्या किया है, तो लगातार दूसरी बार यहाँ पर क्या है तो नॉर्वे चेस ओपन 2021 जीता है मास्टर सेक्शन में। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, जो OECD हैज़ मार्शली लोड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द ऑनगोइंग फिजिकल टू व्हाट अमाउंट। देखिए, लोअर कितने में, तो ऑप्शन ए है 9.7%, ऑप्शन बी है 3.2%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 10.1%। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है 9.7%। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अ न्यू एक्सटिंक्ट स्पेसीज ऑफ हाइबोडोंट शार्क हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट बाई रिसर्चर्स बाय फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो नई स्पेशी यहाँ पर शार्क की, जो हाइबोडोंट शार्क की है, तो वहाँ का किस स्टेट में, यहाँ पर किस स्टेट के रिसर्चर्स ने यहाँ पर क्या किया तो डिस्कवर किया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार। तो देखिए, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आसाम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है पिंक सिटी यानी राजस्थान। राजस्थान में क्या किया था, तो इस शार्क के यहाँ पर नई स्पीसीज को यहाँ पर क्या किया तो खोजा गया। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, जो फॉर्मर बंगाल लाफ लेफ्ट आर्म स्पिनर मुर्तजा लोदगार हु डाइड रिसेंटली इज फ्रॉम विच स्टेट। देखिए, जो फॉर्मर बंगाल के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर मुर्तजा लोदगार है, उनके अभी हाल ही में क्या तो मृत्यु हुआ है, तो इनके वो कौन से राज्य से थे। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है गोवा। तो देखिए, अभी बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि इसका आंसर क्या है, तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर बंगाल लिखा गया है, पर तो देखिए सही आंसर क्या है, तो गुजरात। तो ये गुजरात से क्या पर थे, इनका इनका राज्य गुजरात था। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, मतलब विद्युत पार्क, वो कहाँ पर यहाँ पर बनने वाला है, कौन से राज्य में बनने वाला है भारत के। तो देखिए, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। देखिए इसका सही आंसर क्या है, आप कुछ गेस। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक पार्क यहाँ पर सेटअप होने वाला है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विन्स आर फ्रॉम विच कंट्री। मतलब तो देखिए, जो पूरे विश्व में क्या है तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यानी दो ट्विन्स है, तो जो अभी भी जिंदा जिंदा है दोनों भी, और वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है। अभी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ट्विन्स हो गए, पर देखिए सबसे ओल्डेस्ट मतलब वो दोनों ट्विन अभी भी जिंदा है और वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, तो वो कहाँ पर है, तो कौन से कंट्री में। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चाइना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जी इसका सही आंसर है जापान। जापान में क्या है, तो ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग आइडेंटिकल ट्विन्स है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो द रेज ऑफ लेक टांगानिका हैज फोल्ड 1 लाख पीपल टू माइग्रेट द लेक इज इन विच स्टेट। देखिए, ऑप्शन ए है उगांडा, ऑप्शन बी है चैड, ऑप्शन सी है इजिप्ट और ऑप्शन डी है बुरुंडी। देखिए, ये जो ऊपर के तीन है हम लोगों को पता होगा, पर ये जो चौथी कंट्री सब लोग को पता नहीं होता, और यही इस क्वेश्चन का क्या है तो सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, तो बुरुंडी। वहां पर क्या हुआ तो 1 लाख लोगों को यहाँ पर क्या किया तो माइग्रेशन किया गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि
द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज मतलब IIAS वाज ओपनड फॉर विजिटर्स ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ ओवर 5 मंथ्स इन विच सिटी। तो ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है शिलोंग। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका आंसर है शिमला। तो देखिए वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड टू गिव होप टू कैंसर पेशेंट स्ट्रगलिंग वर्ल्ड वाइड ऑन विच डेट। तो देखिए जो वर्ल्ड रोज डे वो कौन से दिन पर मना जाता है, किसके लिए मना जाता है, तो जो कैंसर पेशेंट है, जो पेशेंट जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें वर्ल्ड वाइड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मदद देने के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए है September 21, ऑप्शन बी है September 22, ऑप्शन डी है September 24 और ऑप्शन डी है September 26। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी September 22 में क्या है, तो वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गोर्डन ब्राउन हु हैज अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग बाय हु इज फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए जो गोर्डन ब्राउन है वो कौन से यहाँ पर देश से है, तो देखिए ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है साइरिया और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर USA नहीं, इसका सही आंसर क्या है, तो UK मतलब यूनाइटेड किंगडम से कौन है, तो गोर्डन ब्राउन ये है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द सब्सिक्वेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो देखिए को यहाँ पर किसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया, तो सबसिक्वेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ के लिए ऑप्शन ए है रवि दुबे, ऑप्शन सी है शिरीष पटेल, ऑप्शन डी है डी सुवक और ऑप्शन डी है VR चौधरी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है VR चौधरी को क्या यहाँ पर क्या गया, तो नया सबसिक्वेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ यहाँ पर अपॉइंटमेंट दी गई है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF विल बिगिन फ्रॉम 24 to 28 September इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अभी यूटी मतलब क्या, तो यूनियन टेरिटरी। लद्दाख, ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है लद्दाख में यहाँ पर क्या हुआ है, तो हिमालयन फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर 2021 मनाया जाने वाला है। तो चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन ऐसा है कि इंडियाज प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हैज फिनिश्ड आउट मेनी ईयर्स आफ्टर इट्स फाउंडेशन। देखिए इसका से ऑप्शन ए 23, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर इट फाउंडेशन मतलब फिनिश रहा कितने इयर्स के बाद फाउंडेशन हुआ है, तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 53 और ऑप्शन डी है 98। तो इसका सही आंसर क्या है गेस, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो 53 यानी सी। अब चलो अगला प्रश्न देखते। तो देखिए ऑप्शन 16 ऐसा है कि हाउ मेनी बीचेस इन इंडिया हैव रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए कितना कितने यहाँ पर बीचेस यहाँ पर मिल चुके हैं इंडिया के। तो देखिए ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10, 10 बीचेस को यहाँ पर क्या है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है इंडिया के। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विच कंपनी हैज अपॉइंटेड फॉर्मर IAS ऑफिसर राजू अग्रवाल एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो देखिए ऑप्शन ए मतलब देखिए कौन से कंपनी ने यहाँ पर क्या किया है, तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड किया है फॉर्मर मतलब पहले के IAS ऑफिसर राजीव अग्रवाल को किसी भी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लिए। ऑप्शन ए है फेसबुक इंडिया, ऑप्शन बी है पेटीएम, ऑप्शन सी है गूगल इंडिया और ऑप्शन डी है ट्विटर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है फेसबुक इंडिया के लिए राजीव अग्रवाल को डायरेक्टर ऑफ पुलिस पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर गया है, तो अपॉइंटेड किया गया है। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विच स्टेट इज सेटिंग अप टी पार्क एट छाएगांव इन कैंपरक डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आसाम। तो देखिए शेख हसीना हु हैज बीन कंफर्ड विद SDG प्रोसेस प्रोग्रेस अवार्ड इज फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए शेख हसीना ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना क्या है, तो PM है बांग्लादेश देश के। तो चलिए हम अगला आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ विच थिंक टैंक हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विथ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखिए रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है वो किसके साथ यहाँ पर काम करने वाला है, थिंक टैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टीट्यूट प्रमोट किसके लिए प्रमोट करने वाले हो, तो जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है NDC, ऑप्शन बी है NITI आयोग, ऑप्शन डी है DRDO, ऑप्शन सी है ISRO। तो इसका सही आंसर क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग के साथ उन्होंने क्या किया, तो ये किया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो ना देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।